चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। कितने बीजेपी में गुंडे हैं और कितने गठबंधन में गुंडे हैं पता लग जाएगा। शाहरुख की लिस्ट ऊपर तनी चलो का काट का देख लो। और मुसलमान का पूरा गठबंधन है, कोई जबरदस्त नहीं है, भाईचारा कायम है। ये दोनों बच्चे देश को चलाने वाले बच्चे हैं, शिक्षित बच्चे हैं। नमस्कार साथियों, सीसीए चुनावी चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं बड़ौत विधानसभा सीट के बावली गांव में। आज यहां पे जैन चौधरी और अखिलेश यादव की विजय यात्रा भी आ रही है, तो हम गांव के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि चुनाव को लेकर इस बार क्या माहौल बन रहा है। जी जी, आपका नाम? इमरान जी। क्या लग रहा है चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर का यही लग रहा है, और अब की बार को भाजपा को भगाना है और गठबंधन को जिताना है। भाजपा को क्यों भगा रहे हो? क्या उसने अच्छा काम नहीं किया? मेरे पे बिजार गिरवा हुआ है, रात को 12-12 बजे लोग का, 1-1 बजे लोग का, और रात को सोने भी नहीं देता। उम्र 27 साल हो ली गढ़ ली, 5 साल में 22 साल थी जब जा सरकार आई थी। अब की बार में यो सारी उम्र जा ली, बता कहाँ था, हम नौकरी कर लेंगे। और भर्ती एक नहीं आई, जो भी भर्ती है वह सारी पोस्टपोन कर दी जावे। लेकिन सरकार तो कह रहे हैं कि हमने 4 लाख नौकरियां दिया सरकारी, 40 लाख दे। कहाँ पे दे दिया? अनु बताया तो किसको दे दिया? ये खड़े मेरे भाई, ये खड़े मेरे भाई, कहाँ पे दिया? किसको दिया? रोजगार भाई, किसको दिया? तुझे दिया रोजगार, रोजगार दिया। जोर से रुपए कहने के रुपए भेज दिए, एक अन्ना नहीं आया। सुसरा जी, नाम बताइए। नाम तेजपाल। क्या बात, क्या कहे? इतना गुस्सा हो रहा है यार, गुस्सा नहीं हो रहा, जो कर वे कहे नहीं, अगर रुपए भेज दे उसके खाते में एक चुवन्नी नहीं आई। 15 लाख का जिक्र करे तो एक पीछा नहीं आया किसी खातों में। मेरा नाम है गौरव। अच्छा, इस देश को बचाना है, बीजेपी को भगाना है। जैन चौधरी की सरकार बनती है, आजीवन कारावास में रहेगा वो, आजीवन। जैन चौधरी जिंदाबाद, लॉकडाउन चौधरी जनते। लेकिन पिछली बार ऐसा क्या हुआ कि इधर से एक तरफा भाजपा जीत? भाई नुना लालच दे दिया था, युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसान की आय दुगनी होगी, 15-15 लाख रुपए आओगे। आया कुछ नहीं, आया कुछ नहीं। जो ये सारे खड़े नहीं है, नुना सारू ने बीजेपी को वोट दी पहले, ईब कना दे। पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार आएगी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे और जैन चौधरी जी डिप्टी सीएम बनेंगे, और जो है योगी जी जो है अपना जाकर मंदिर में घंटा बजाएंगे। भाई साहब इस सरकार, भाई मेरा नाम है समीर खान। अच्छा, इस सरकार में लाखों युवाओं की, मैं कह रहा लाखों युवा जो पढ़े लिखे है, जिन्होंने मेहनत करी, सब की आज सारे मजदूरी कर रहे हैं पढ़े लिखे। इस सरकार में एक भी आर्मी की भर्ती नहीं आई। भाई मैं खुद हूँ, मैं आर्मी की भर्ती मार रहा था, 6 साल मेहनत करी, आज मैं भाई मजदूरी करता फिर रहा इस सरकार में। और भाई साहब चिड़ाई कर रहे हैं, ज्यादा ज्यादा पढ़े लिखे युवा, कोई पत्थर तोड़ रहा, कोई कुछ कर रहा। इस पर भी बुलवाओगे छोटी जी? भाई आपका नाम? बॉबी तोमर। अच्छा, क्या चुनाव का क्या माहौल है आज? क्यों भाई, माहौल तो राष्ट्रीय लोक दल और गठबंधन का पूरा है। ठीक है भाई साहब, मैं ये कहना चाह रहा था, मोदी और योगी अमित शाह ये कह रहे कि हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अगर किसी हिंदू का अकेला लड़का है कोई और वो बीमार हो गया या एक्सीडेंट हो गया और अस्पताल में चला गया और एक खून की बोतल है और वो है आजम खान की, और जीने मरने वाली बात है, क्या वो हिंदू का लड़का वो चढ़वाएगा नहीं उस खून को? चढ़वाएगा नहीं, मरना पड़ेगा उसे। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान कर रहे जो ये। तो अभी एक केंद्रीय मंत्री है हमारे मुजफ्फरनगर से, संजीव वाला, उन्होंने कहा है कि गठबंधन सिर्फ ऊपर हुआ है, धरातल पे कोई गठबंधन नहीं है, मतलब जाट मुस्लिम साथ नहीं है। भाई देख सको, जाट और मुसलमान का पूरा गठबंधन है, कोई जबरदस्त नहीं है, भाईचारा कायम है। गड़बड़ करी थी 2014 में दंगों में, हाँ वो अब बिल्कुल ठीक हो गई, इन्होंने फैला दिया था मामला गड़बड़। जी भाई आपका नाम? मेरा नाम तो अंकुर तोमर है भाई। अच्छा, आपको क्या लगता है कि युवाओं के लिए किस तरह का काम सरकार ने किया है? कुछ भी नहीं करा भाई, ये खड़े निशारे के छारे हैं, छोल रहे काम कर रहे, हम देखते नहीं आज के डाल के हो गए। छोल तू
बोलना पड़ रहा है। लेकिन उनका कहना है तो हम की मतलब जो विकास है विकास करा कौन चमक रहा है विकास बता कौन से चमक रहा है जो एक भी कह देने में अमित शाह हरकत होया विकास भाई आ तो विकास किसी का होया नहीं अंबानी का तो भाई दो अंबानी अडानी ये सब वे चोर गए गुंडे गए पार्टी में देख लो करके एक बार सदस्य कितने बीजेपी में गुंडे हैं और कितने गठबंधन में गुंडे हैं पता लग जाएगा सारू की लिस्ट ऊपर नीचे लोग का काट का देख लो जिनके टिकट हो रहे गुंडे ही नहीं आते बाजी बाजी जगह तो विधानसभा पे भी ऐसा है चोर थे वो मामला लड़ रहा लॉकडाउन लगे था सब कुछ मिला सब कुछ ये किसान ये मजदूर पता कैसे थे जब ठेली जाती नहीं सब्जी की गाड़ में को तो फ्लैट पता खड़ा हो गया आदमी ने सोचा था सारी की सारी सब्जी क्योंकि ऐसा थी वहाँ साफ करके धो के पूछ के हर तरीके से मजबूत करके ले जाता उसे कुछ नहीं मिला सबसे पहले तो अगर मिलना था नहीं कृषि प्रधान देश है सबसे पहले तो अगर किसी चीज़ की घोषणा होनी थी तो किसान के लिए घोषणा होनी थी और किसी चीज़ के लिए कोई घोषणा नहीं होनी थी क्योंकि रोटी सबसे पहले है पेट अगर तू भूखा रहेगा खड़ा हो जगह से लेकर नहीं हो सकता नहीं पहले पेट भरेगा या पेट के बारे में सोचेगा जब जाकर खड़ा होगा तो सर किसान पहले किसान इन्हें तो तुरंत एकदम लॉकडाउन हटी किसानों के लिए घोषणा करनी थी कुछ भी नहीं था के था ना ही कुछ होता वोट नहीं दे रखी सबने दे रखी यहाँ कम से कम 80% लोगों ने वोट दे रखी बीजेपी की 2000 हमारा जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है ये सारा खेती का कृषि प्रधान देश है इतला का है यहाँ गन्ने की मुख्य फसल है पिछली बार योगी आदित्यनाथ जी ने वादे करे थे कि 14वें दिन पेमेंट होगा उसमें सरकार से पूछ लो जहाँ हमारा मलक पर मिल है यहीं पे 7 किलोमीटर पिछले साल इसका 300 करोड़ रुपए बकाया है 298 करोड़ रुपए बकाया है पिछले साल जहाँ तक मेरा अंदाजा है मार्च पिछले साल 2020-21 का 2 मार्च लोग का पेमेंट आया अब देख लो अब कौन सा महीना चल रहा पहली बात दूसरी बात रोजगार जितने उन्होंने कहा था रोजगार नहीं थे 50 लाख रोजगार कह गए थे 2 भर्ती आई जिसमें अब उसमें अधिक कल्याण हुई 69,000 वाली 69,000 वाली आई थी भर्ती मास्टरों की वह पूरी नहीं हुई बोलो 3 साल उसके लिए कर लिए एक काउंसलिंग के लिए उसकी लिस्ट नहीं लगी 2016 की वह भर्ती थी है ना UPSI की वह अभी तक क्लियर नहीं हुई तो भैया अभी देख लो और पहली बात हम चौधरी चरण सिंह हरकू चौधरी जयंत चौधरी को वोट क्यों ना दे पहली बात कांग्रेस सहकारी करे थी जमीन चौधरी चरण सिंह ने क्या लगा इस्तीफा दे कर क्या लगा ये जमीन सहकारी नहीं जाती देश भूखा मर जाएगा दूसरी बात इस क्षेत्र में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो कार्य करा वो चौधरी हर ने करा चौधरी अजीत सिंह हर ने करा 45 मील पश्चिम उत्तर पूरे इसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगवाए इससे पहले गन्ना कहाँ के रहते हम एक दूसरे घर बार आगे किसके आगे कूद कर जा तो आज जो युग क्षेत्र है तो चौधरी की देन है बीजेपी वालों के जाट याद आ रहे सबसे पहले आज तू इन्होंने आरक्षण खत्म कर दिया था सबसे पहले बैठ तू इन्होंने हमारा इब जिनके जाट याद आ रहे बहुत बात है भाई बहुत। लेकिन सरकार ने तो गन्ने पर 25 रुपया बढ़ा दिया और बिजली बिल जो है वो भी आसान करा हमारे पे 25 उल्टा लो भाई 25 और घटा लो सुनो 2014 में सिलेंडर कितने रुपए का था दुगने कर दिए डीजल पेट्रोल बिजली का बिल हमारे यहाँ इस टाइम हम किसका 12 का बिल 28,000 रुपए पर ईयर भर रहे पर साल भर रहे 2500 रुपए महीना हो रहा पहले 1600 रुपए महीना था तो आप देख लो भाई जी महंगाई बढ़ रही हर चीज में गंडा गंडा ठहरे भी 12 घंटे में तो कितनी चीज बने मोदी को योगी को अमित शाह को अगर पता हो तो हरियाणा 362 रुपए का भाव है यहाँ 250 का है जो इनके खिलाफ क्या है उसे ये दबा दे या अलग कर दे अच्छा अभी योगी का एक बयान भी आया था कि गर्मी उतार देंगे हम गर्मी को कर उतार देगा आम तो देख पर हम उतारेंगे गर्मी उसकी हम दिखाओगे उसे गर्मी कुकर उतरा करे ये बेचारो यहाँ करे खेन उन्हें सारे खेत की बाढ़ मार दी कुकर मार दी वे हम अभी बड़ौत विधानसभा सीट के बावली गांव में थे हमने यहाँ पर लोगों से बात की तो लोगों का कहना है कि ज़्यादातर लोगों का कहना है कि सरकार को हम बदल रहे हैं सीसीए चुनावी चर्चा के साथ जुड़े रहिए चुनाव की खबरें आप तक आती रहेगी।